जय हिंद। देखिए, रेलवे आरआरबी की एक गलती की वजह से 3,80,000 लड़कों को उनका एग्जाम देने से रोक दिया गया। इतना नौटंकी हो गया है इन लोग का। अब एक एक चीज समझिए, 2019 में नोटिफिकेशन निकाला जाता है कि हम आप लोग के वैकेंसी के लिए लगभग 37,000 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई। वो एग्जाम कब लेगा पता ही नहीं चला, तो 2020 में प्रोटेस्ट किया गया। 2020 के इस प्रोटेस्ट के बाद 2021 में एग्जाम कंप्लीट हुआ। एग्जाम लिया तो फिर रिजल्ट नहीं दिया, फिर प्रोटेस्ट करना पड़ा, तो अभी जाके वो इसका रिजल्ट दिया है। और रिजल्ट में 3,80,000 लड़कों को पीछे ढकेल दिया गया। कहा गया कि 20 गुना रिजल्ट देंगे, जबकि 11 गुना ही रिजल्ट है, 20 गुना रिजल्ट नहीं है लगभग। अब इस एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं, ध्यान से समझ। रेलवे का जो अपना कहना है, हम आरआरबी बिहार में दो आरआरबी हैं, आरआरबी मुजफ्फरपुर और आरआरबी पटना, दोनों के चीफ से हम बात किए हैं। उनका जो कहना था, हम पहले आपको उनके बारे में बात रख देते हैं। उनका क्या कहना है, देखिए, उनका कहना है कि हम लोगों ने 4 उपलब्धियां हासिल की। उनकी 4 उपलब्धियां सुन लीजिए। उन्होंने फेयर एग्जाम कंडक्ट कराया है बहुत अच्छा से, सिंगल एग्जाम करा दिए, अलग अलग टाइप के 7-7 कैटेगरी के एग्जाम का एक ही सिंगल एग्जाम करा दिया। एक कैंडिडेट को अब ये एक ही जॉब देंगे, दो नहीं दे पाएंगे। पहले ऐसा हो जाता था, दो ले लेता था, एक को ज्वाइनिंग करता था, एक खाली छोड़ देता। और इन्होंने पहले 10 गुना ही रिजल्ट होते थे, इनका कहना है कि हम लड़कों की भलाई के लिए 20 गुना रिजल्ट दिए, ये इनका कहना है। ये आरआरबी का कहना है। उनका कहना था कि जब आप स्टूडेंट को बताएंगे कमियां, तो हमारी अच्छाइयां भी बता दीजिए। हमने उनकी अच्छाइयां बता दी, अब इनकी अच्छाइयों का हम लोग थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। चलिए भैया, आपने फेयर एग्जाम कराया, 2019 का वैकेंसी 2024 में फाइनल कराएंगे, इसको भी अगर फेयर कहा जाता है तो अभी अच्छी बात है, ठीक है, इसमें हम कुछ क्वेश्चन नहीं करें। इनका कहना है कि हमने सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया। आप में से जो पढ़े, जो नहीं पढ़ा लिखा है, वो भी समझ सकता है कितनी बड़ी गलती किया गया। देखिए, इसमें गड़बड़ी क्या हुआ है, टोटल 7 अलग अलग लेवल के एग्जाम थे, जिसमें कुछ एग्जाम ग्रेजुएशन के लेवल के थे और कुछ इंटरमीडिएट यानी 10+2 का था। रेलवे का कहना है कि हम दोनों का एग्जाम एक जैसा करा लिए हैं। अब आप ही बताइए, सिंगल पेपर लीजिएगा तो, और उसमें आप कहिएगा कि ग्रेजुएशन का भी लड़का बैठेगा और इंटर का भी लड़का बैठेगा, तो एक जो आदमी नहीं भी पढ़ा लिखा है ना, उसको पता चलेगा कि नहीं, ग्रेजुएशन वाला जो है वो एग्जाम में अच्छा कर जाएगा, क्योंकि सिंगल पेपर है। अब एक किसी एक रेस में आप गाय को दौड़ाइए, उसी रेस में घोड़ा को दौड़ाइए, तो जेन्युइन घोड़ा जीत जाएगा। ग्रेजुएशन है, 3 साल आगे है। हमने उनसे यही पूछा कि सर, क्वेश्चन का लेवल आप किस हिसाब से सेट किए थे। उनका कहना था क्वेश्चन लेवल मेरा ग्रेजुएशन लेवल का था। तो हम उनसे यही कहे कि सर, आप तो जब अगर क्वेश्चन लेवल ग्रेजुएशन का है, तो इंटर वाला कैसे उसको सॉल्व कर पाएगा। तो उनका कहना नहीं 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 गलती हो गया, हमारा जो क्वेश्चन लेवल था वो इस लेवल का था, इंटर वाले लेवल का था। यहाँ पर अभी बताइए, दुनिया का पहला एग्जाम है कि क्वेश्चन लेवल है इंटरमीडिएट के लेवल का, उसमें इंटरमीडिएट का भी लड़का बैठा है और ग्रेजुएशन वाला भी बैठा है। अब बताइए किसको फायदा होगा। हर हाल में ग्रेजुएशन वालों को फायदा हुआ है, और इस ग्रेजुएशन वालों को एक साथ दो दो सीटों पर क्वालिफाई कराया गया है, दो दो चार चार सीटों पर क्वालिफाई कराया गया है। कहा गया है कि तुम ग्रेजुएशन के नाते तो तुम क्वालिफाई हो ही, और इस नाते भी तुम क्वालिफाई हो। तो पहला यहां पे देखिए, जो इन्होंने कहा है कि सिंगल एग्जाम लिए हैं, उस सिंगल एग्जाम में केवल और केवल फायदा ग्रेजुएशन वालों को पहुंचाया गया। 3,80,000 इंटरमीडिएट के लड़कों को एग्जाम देने से रोक दिया गया है, CBT 2 एग्जाम। इनका पहला, सेकंड वाला ये तो समझ गए, तीसरा समझिए क्या है, इन लोग का दिमाग लगाना है। सुनिए ध्यान से, गजब गजब तो ये लोग दिमाग लगाता है लोग। इनका कहना है कि पहले क्या होता था, इन अगर अगर अलग अलग एग्जाम लिया जाएगा तो क्या होगा। यहाँ हो गया एक ग्रेजुएशन। इनका कहना है कि जब कभी भी ग्रेजुएशन का फॉर्म अलग आता था, ग्रेजुएशन का जो एग्जाम थे रेलवे में उसका फॉर्म अलग आता था, जो इंटर लेवल का था उसका अलग आता था। इनके हिसाब से कहना था कि कोई लड़का था जो ग्रेजुएशन में भी पास हो गया, इस लेवल के एग्जाम में भी स्टेशन मास्टर बन गया और इंटर लेवल वाले में भी पास हो गया, ठीक है। तो वो क्या करता था लड़का, कि ग्रेजुएशन वाला नौकरी कर लेता था जो इस लेवल पर है स्टेशन मास्टर, और उसको छोड़ देता था तो खाली रह जाता था। तो भैया, ये खाली रहता था रेलवे की बेवकूफ़ी से। बेवकूफ़ी कैसे, मान के चलिए कि इसमें कट ऑफ गया था 82 नंबर और इसमें कट ऑफ गया था 86 नंबर। तो जो लड़का ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया, 86 नंबर हो गया, स्टेशन मास्टर बन गया सपोज, और उसने इंटर लेवल वाला भी दिया, उसका 82 नंबर आया, इसमें भी पास हो गया, तो उसको कोई एक नौकरी करनी पड़ेगी। तो वो उसने कर लिया ग्रेजुएशन लेवल वाली नौकरी को। तो ये खाली कैसे रह गया, रेलवे ने कभी वेटिंग लिस्ट इसका निकाला ही नहीं। भैया, 82 नंबर कट ऑफ गया था, इसके नीचे 81 वाला कई लड़के होंगे, 80 वाले होंगे, 79 वाले होंगे,
जब आपको पता चल गया कि सेम लड़के हैं, इसने यहाँ ज्वाइन कर लिया, तो कहिए कि ठीक है भैया हम तुम्हारे से नीचे वाला जो है वेटिंग लिस्ट वाला उसको कंफर्म करके उसको जॉब दे देंगे। रेलवे ने कभी वेटिंग लिस्ट नहीं किया यहाँ पर, इस वजह से ये गड़बड़ हो गया। तो ये यहाँ कौन सा समझदारी कर रहे हैं यहाँ पर, ये तो पहले ही इनको सुधारना चाहिए। और सबसे बड़ा झूठ यहाँ पे देखिए, ये जो कहा गया है कि 20 गुना रिजल्ट देंगे, 20 गुना रिजल्ट ही नहीं है, लगभग ये 11 गुना है, लगभग 11 गुना है। और ये रेलवे खुद कंफर्म नहीं कर रही है कि कितना गुना है, वरना पोल पट्टी खुल जाएगा। यहाँ पर इतना बेवकूफ़ी भरा यहाँ पर काम किया गया है। और इंटरमीडिएट के लड़के नौकरी नहीं मांग रहे हैं, उनका कहना है कि हमको ग्रेजुएशन वालों के साथ बैठा है, उसके बाद हमको पास भी नहीं किए, हमको सेकेंड फेज का एग्ज़ाम देने दो। सेकेंड फेज का एग्ज़ाम भी नहीं दिए देने दिया जा रहा है इन लोगों को, ऐसा ऐसा बात हो गया। अब बताइए ये लड़का क्या करेंगे सब, लड़कों का कोई दर्द समझेगा? सुनिए यहाँ पर आपको हम कमेंट दिखाते हैं, हमारे चैनल पे कमेंट की लड़की बेचारी, मेरा 74 नंबर आए थे, 3 साल से सिर्फ एनटीपीसी की तैयारी कर रही थी, CBT 2 के मॉक टेस्ट में मेरा 120 में से 100 से 105 नंबर तक स्कोर करने लगी थी, लेकिन आज रिजल्ट आया तो पता चला कि मेरा पहला पेपर ही नहीं हुआ। ये नौकरी नहीं मांग रही है, ये लड़की 73 नंबर लाई है, और इसको केवल इसलिए फेल किया गया है, फेल इसलिए किया गया है क्योंकि इसके साथ बैठाया गया था ग्रेजुएशन वाले लड़कों को। तो ग्रेजुएशन वाले कैसे नहीं निकल जाएंगे आगे? कह रही है कि मैं जिंदगी की मुश्किलों से कभी नहीं हारी, लेकिन सिस्टम की चालाकी और साजिशों ने पटक पटक कर हरा दिया, जीने से ज़्यादा मेरे लिए मरना सुलभ हो गया। सभी गुरुजनों से निवेदन है कि मेरे बाद अपने किसी भी शिष्य के साथ इस तरह की साजिश होने ना दे। जय हिंद, खुश रहना मेरे देश के प्यारों। सुसाइड करने का नौबत आ गया। ये है पूरे रेलवे का, जो काम CBT 2 यानी सेकेंड फेज में करना चाहिए, रेलवे ने अपने फर्स्ट फेज के एग्जाम में ऐसा काम किया है। ये पूरे पृथ्वी पर ऐसा कारनामा भारतीय रेल का RRB ही कर सकता है पूरे पृथ्वी पर, क्योंकि ऐसा विचित्र लोग कहीं नहीं मिलेंगे, पूरे पृथ्वी पर मिलेंगे। ऐसा काम किया, अभी तो टांडव बाकी है सेकेंड फेज में। सेकेंड फेज में इन्होंने कहा है कि हम स्टेशन मास्टर लेवल का अलग एग्जाम लेंगे, मतलब जो अलग अलग लेवल का अलग एग्जाम देंगे। अब एक लड़का 4 जगह सेलेक्ट हुआ है, उनको कह रहे हैं कि हम तुम्हारा 4 बार एग्जाम लेंगे। अब ये बताइए, मान के चलिए कि उसका एक लड़का 4 जगह सेलेक्ट हुआ है तो 4 बार एग्जाम देगा, उसका एक एग्जाम सेंटर बेंगलोर हो गया, अगले दिन उसका एग्जाम सेंटर इलाहाबाद हो गया, अगले दिन गुवाहाटी हो गया, उसके अगले दिन कलकत्ता हो गया, मर जाएगा लड़का एग्जाम देते देते। एक लड़के को 4 जगह एग्जाम देना है, आधा ट्रेन नहीं चल रही है कोरोना के वजह से, कहने कहाँ से एग्जाम दिला देंगे ये लोग। यहाँ पे लड़का सुसाइड कर रहा है, हमारे मोदी जी 30 मिनट तक फंस गए थे हाईवे पे, यहाँ पे 30 मिनट तक, हम उनके लिए भी बनाए थे वीडियो बनाए थे, उनके भी बाद में बताए थे, लेकिन हमारे बच्चे 2019 से फंसे हुए हैं, तीन साल से फंसे हुए हैं, इनकी जान की कोई अहमियत नहीं है, ये मरे सुसाइड करे भाड़ में जाए, 3 साल से जाओ यहाँ पर, ये हो गया हमारे यहाँ का सिस्टम। यहाँ पर इनका रेलवे का कहना है कि जो लड़का ग्रेजुएशन किया है हम उसको ज़्यादा वैल्यू देंगे, जो ग्रेजुएशन किया है उनको ज़्यादा वैल्यू देंगे। अरे यार RRB वाले किस दुनिया में हो तुम, दो 2019 की वैकेंसी निकाले हो, जो लड़का 19 में 12th में होगा वो 22 में आ गया है ग्रेजुएशन में, और जब तक तुम फाइनल रिजल्ट दोगे ना वो PG करके 2 बच्चों का बाप बन जाएगा वहाँ पर, गजब बेवकूफ़ी करता है। देखिए अभी डिजिटल स्ट्राइक ही करना है, इसमें RRB वालों से आप कोई उम्मीद मत रखिए, हम आपको स्पष्ट बोल रहे हैं, RRB आपके पास 2 जगह से ये घोटाला कर रही, एक तो गड़बड़ कर दी है। हम जब RRB के पास गए और अपनी इन बातों को कहें कि आप 20 गुना रिजल्ट नहीं दिए हैं तो क्या करें, तो उनका कहना है कि खान सर आपकी बातें बिल्कुल सही हैं, आप अपनी बात को जो बता रहे हैं हम इसको अगली बार से इंप्लीमेंट कर देंगे, हम इसमें बदलाव नहीं कर सकते। मतलब उनका कहना है कि नियम गलत बना है और हम लोग उसी नियम को फॉलो करेंगे, हम कुछ नहीं सुधार कर सकते। मतलब अगर वो गलत नियम बना दिए तो इससे लड़के मरे सुसाइड करे, 3,80,000 लड़कों को एग्जाम देने से रोका जाए, इनसे उनको बहस नहीं है, वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम लोग की बातों का कहना सही है। और इन लोग के अंदर RRB वाले खुद सोचो यार कितने हम तो दोनों RRB बिहार में जो 2 RRB हम दोनों के चीफ से हम मिल के आ गए, ठीक है, खुद से सोचो कि इंडिया का सारा टीचर पागल है। मतलब आज एक सिंगल टीचर उठा दो भाई पूरे हिंदुस्तान में, कश्मीर से कन्याकुमारी में, जो एक बार कह दे कि नहीं RRB ने सही किया है, लेकिन उनका कहना खान साहब आप काहे खामा खामे कर रहे हैं, ये नहीं है यहाँ पर ऐसा गड़बड़। भैया आप जो 20 गुना रिजल्ट दिए हैं वो 20 गुना लड़कों का रिजल्ट दीजिए, एक लड़के को 4 बार काउंट किया है इन लोगों ने, एक लड़के को 4 बार काउंट करके कह रहे हैं 20 गुना रिजल्ट आया, 20 गुना रिजल्ट नहीं है, और है तो RRB पूरा क्लियर करें। और RRB वालों ने रेल मंत्री को कन्विंस कर दिया है, देखिए आपके साथ डबल घोटाला किया ये RRB वालों ने,
पहला कि आपके साथ छल किया गया, 1,380,000 लड़कों को एग्जाम देने से रोका गया, कहा गया कि फालतू में उनको हटा दिया गया है। दूसरा कि रेल इन लोगों ने इंटर कहा था कि 20 गुना रिजल्ट देंगे, 20 गुना रिजल्ट भी नहीं दिया। और रेल मंत्री को इन लोगों ने क्या कह के समझा दिया कि सर हमारे पास तो 37,000 सीट है, हमने 3,50,000 लड़कों को पास किया है, भले हम झूठ बोल दिए थे 20 गुना, लेकिन हमारा 37,000 सीट भर जाएगा। अरे यार आपका सीट भर जाएगा, आपने तो हक मार दिया ना बाकियों का, हम थोड़ी कह रहे हैं कि आप बाकी का नौकरी दे दीजिए, आप उनको एग्जाम देने का मौका दीजिए। यहाँ तो आरआरबी से आप कोई उम्मीद नहीं रखेंगे, रेल मंत्री ही इसमें सबसे ज्यादा कर सकते हैं और रेल मंत्री हम लोग के फेवर में है, इसलिए आप लोग को ट्विटर पे ट्वीट करते रहना है। ट्विटर पे यहाँ ट्विटर देख लीजिएगा, #RRB कैपिटल में NTPC कैपिटल में #RRB NTPC, यहाँ पर _ यहाँ पे उसके फर्स्ट 1 student 1 result, 1 student जो है वो स्मॉल में है, फिर _ रहेगा एक ठो, यहाँ _, फिर उसमें रहेगा आपका 1 result, एक लड़के का एक ही रिजल्ट होना चाहिए। अच्छा ये बताओ यार, पूरे पृथ्वी को देखो तो ऐसा कौन बोर्ड होगा जो इतना बेवकूफ हो, कौन बोर्ड होगा? और रेलवे वाला वो खुद समझा रहा है, मतलब पूरा टीचर बेवकूफ है, साल भर पढ़ाया, 3 साल से पढ़ा रहा है, मतलब उसको वो बेवकूफ है, यही लोग समझदार है। तो पहला तो आपको ये ट्वीट करना पड़ेगा ताकि मंत्री जी आरआरबी वालों से पूछे, और आरआरबी वालों से पूछेंगे तो कन्विंस कर देंगे। रीजन क्या है कि अगर ये आरआरबी वाले बोलेंगे ना कि सर गलत हो गया, तो खुद इन्हीं को बोली सुनना पड़ेगा कि क्या किया तुम लोग यहाँ पर, आरआरबी वाले हम आरआरबी को समझाएं, तो 71 पन्ना का ये नोटिफिकेशन थमा दिया। और कहा देखिए हम आपको दिखा देते हैं हमको क्या दिया गया यहाँ पर, 71 पन्ने के इस नोटिफिकेशन में हमको एक सिंपल सा कह दिया गया कि खान साहब हम लोग की कोई गलती नहीं, स्पष्ट यहाँ कह दिया गया कि हम पहले ही बोल दिए थे। भैया आप पहले ही गलत बोले थे, इसको नहीं सुधार सकते हैं यहाँ पर ये लोग यहाँ। तो पहले बात आपको ट्वीट करना है, 1 हफ्ते से कम ट्वीट कीजिएगा ना तो नहीं सुनेंगे, क्योंकि इन लोगों ने आरआरबी वालों ने रेल मंत्री से कहा है कि 1-2 दिन का मैटर है, सॉल्व हो जाएगा, उन्होंने छोड़ दिया, अच्छा चलो तुम लोग संभाल लेना, 1-2 दिन का मैटर होगा तो आप लोग समझ जाएंगे। जिन बच्चों के जिन जो भी गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, समझ जाइएगा यही हाल होगा अपने बच्चों के लिए। आप लोग भी ट्वीट करेंगे और जितने लड़कों का रिजल्ट हुआ है उनके साथ यही समस्या आने वाली है CBT 2 में, इसलिए अभी से उसको नहीं सुधरवाएंगे तो फिर आप लड़ेंगे तो ये आपके साथ नहीं आएंगे। और SSC वाले भी लड़ते रहे, एयरफोर्स का रिजल्ट नहीं दिया, एयरफोर्स के लड़के कह रहे हैं कि भैया हमने जुलाई में एग्जाम दिए, हमारा तो रिजल्ट दो, हम जाएंगे भैया अभिनंदन की तरह गोली खा के आएंगे। तो करना ना तुम मत मरो, अभी मत मरो, बॉर्डर पर क्या जरूरत है, खाली रहेगा बॉर्डर, क्या जरूरत है यहाँ पर, अभी सर्जिकल स्ट्राइक थोड़ी हो रहा है। एयरफोर्स का रिजल्ट रोक के रखे, इस कौन सा एग्जाम सही करा रहे हैं लोग, उधर बेचारा चिल्ला रहा है सर UPSC वाला सी सेट लेके अंग्रेजी मीडियम वाला कि भाई हमारा मत, हम हिंदी मीडियम वालों का जान ले लिया वहाँ पर। यहाँ एक तो ये चीज़ हो गया, ट्विटर को नहीं रोकना है। अभी सबसे बड़ी कमजोरी हम आपको बताते हैं आरआरबी की, आप ट्विटर पे जितना बोलेंगे रेल मंत्री आरआरबी वालों को पूछ लेंगे। आरआरबी का कहना है ट्विटर खाली रहना चाहिए, बस याद रखिए बबुआ, ट्विटर खाली नहीं रखने देना है, ये आरआरबी की सबसे बड़ी कमजोरी है, किसी भी डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी कमजोरी है। एक चीज और बताते हैं, सबसे बढ़िया बात हमारे जो रेल मंत्री साहब अभी के जो हैं अश्वनी वैष्णव साहब, ये नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में नहीं है, नॉर्मलाइजेशन ये एकदम खिलाफ है, इनका कहना है कि सिंगल रिजल्ट दो, नॉर्मलाइजेशन क्या मतलब होता है। लेकिन देखिए यहां कुछ हद तक आरआरबी सही कि नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा, लेकिन किस प्रोसेस से करती है वो लड़कों को ही नहीं बताती है। तो ये फेवरेबल इंसान है, इनका भी कहना है 20 गुना रिजल्ट होना चाहिए। मंत्री जी का, अश्वनी वैष्णव सर का हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप नॉर्मलाइजेशन के फेवर में मतलब नहीं है, लड़कों के फेवर में बहुत बहुत हम कम से कम एगो मंत्री तो मिला जो लड़कों की बात सुनने वाला है, एक को तो मिला भैया जो समझता है कि लड़कों की पीड़ा क्या है, दर्द क्या है यहाँ पर। इनको आरआरबी वालों ने समझा दिया है कि सर 20 गुना रिजल्ट देंगे तो अनर्थ हो जाएगा। अरे भैया 20 गुना रिजल्ट में कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ 7.5 लाख लड़के क्वालिफाई हैं, 1 लाख कुछ लाख लड़के और बढ़ जाएंगे। जब आप 1 करोड़ लड़कों का एग्जाम लिए हैं तो 9 लाख लड़कों का भी एग्जाम ले लेंगे, 3.5 लाख लड़के नौकरी नहीं मांग रहे हैं। मंत्री जी आप समझिए, आपको समझाएगा से वो अलग डिजाइन से, सारे लड़कों से कहते हैं एक और ट्वीट करना पड़ेगा आपको, #RailwayMinister, रेलवे का पहला अक्षर कैपिटल में, मिनिस्टर का पहला, सबका इसमें पहला अक्षर कैपिटल रहेगा, #RailwayMinister _help us, हेल्प कैपिटल है, अस का यू कैपिटल है। तो एक चीज इसके लिए इनके लिए भी करना है, ये चाहेंगे तो हो जाएगा, आरआरबी नहीं करने देगी, इनके लिए सबसे बड़ी बाधा आरआरबी बन रही है। दूसरा आपको लगेगा कि 1 दिन में हो जाएगा तो नहीं होगा,
किसान सब पिटाया, सब ठंडी झेला, गर्मी झेला, ट्रैक्टर से कचरा गया, कभी कोई आतंकवादी बोला, कभी पिज्जा खा लिया तो बवाल हो गया, कभी कुछ कभी कुछ, लाख सहने के बावजूद जब डटा रहा तभी यह हुआ। तो आपको एक हफ्ते तक खड़े रहना है यहाँ पे, लेकिन याद रखिएगा पॉलिटिक्स इंट्री मत होने दीजिएगा, कोई भी पॉलिटिक्स इंट्री मत होने दीजिएगा। आप स्टूडेंट हैं, टीचर का सपोर्ट लीजिए, यही है, पॉलिटिक्स मत इंट्री देने, पर छीछा लेदर हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। और अगर इसके बाद भी नहीं मानेंगे लोग तो ये है फिजिकल प्रोटेस्ट, रेलवे बंद होगा, क्योंकि रेलवे जो है, और रेलवे के कर्मचारी भी इसमें साथ देंगे, क्योंकि जो आप कर्मचारी बैठे हैं ना वो भी आप ऐसी समस्याओं को झेलेंगे, आपके आने वाले बच्चों। तो आप सब लोग को ट्विटर पे 18 तारीख से तो आज से ट्वीट करते रहना है, ट्वीट में कमी नहीं करते रहना है यहाँ पे, और वन वीक, टोटल वन वीक ट्वीट करना है। इतना याद रखिएगा, मंत्री जी जो हैं अश्विनी वैष्णव सर, ये फेवर में है, लेकिन जब तक ट्वीट नहीं करेंगे इनका कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये ट्विटर पे आप एक हफ्ता करते रहना है, जितने लोग हैं सब लोग ट्वीट कीजिए, अन्य एग्जाम वाले भी ट्वीट कीजिए, एयरफोर्स का भी एग्जाम अटका के रखा है, सारे एग्जाम्स के लिए हम लोग परेशान हो गए हैं। इस पहले क्या होता था, पीटी, मेंस, इंटरव्यू, नौकरी, अभी क्या होता है, ट्विटर कैंपेन, फिर पीटी, फिर ट्विटर, रिजल्ट दो, इस तरह से झमेला हो गया। मजबूरी में आदमी को ये सब बातें कहना पड़ता है। इंडिया का एक टीचर बोल दो जो इसके फेवर में है, कुछ टीचर फेवर में नहीं आए हैं, तो उनके स्टूडेंट को कहते हैं कि आप टीचर्स को बोलिए, आप बोलेंगे तो उनको मजबूरी में आना पड़ेगा, बाकी अब जैसा होगा हम लोग तो इसको लेके रहेंगे बस, और कुछ नहीं जानते हैं, इसको सुधारना ही पड़ेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।